को दिखलाया दुल्हन बनने का सपना। दूल्हा हुआ बारात लेकर फुर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में एक युवती बारात का रात भर इंतजार करती रही, दूल्हा बारात लेकर ही नहीं पहुंचा। उधर पुलिस ने भी पीड़ित की एक ना सुनी और शिकायत के बाद भी पुलिस ने युवती के परिवार को थाने से ये कहकर टरका दिया कि पुलिस युवती के घर पहुंच रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ना तो युवती के घर पहुंची और ना ही पुलिस के द्वारा पीड़िता की कोई रिपोर्ट दर्ज करी। आपको बता दें कि पीड़िता को शादी का झांसा देकर दूल्हा बना उसका प्रेमी कई वर्षों से युवती का शोषण कर रहा था और जब पीड़िता ने शादी करने का दबाव बनाया तो शादी के लिए मजबूर हुआ और शादी के लिए रविवार का दिन तय हुआ। रविवार को दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार करती रही, लेकिन दूल्हा बना प्रेमी बारात लेकर ही नहीं पहुंचा और गायब हो गया। फिलहाल युवती ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा भी किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, बल्कि थाने पहुंची पीड़िता को घर वापस यह कहकर भेज दिया गया कि पुलिस उसके शिकायत उसके घर पर पहुंचकर लेगी। शादी का लालच देके उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और यौन शोषण किया और अब शादी का लालच देके मेरी शादी इतवार के दिन थी, बारात भी नहीं आई, लड़का भी गायब कर दिया और कोई बारात लेके नहीं आया। पुलिस थाने भी गई, रिपोर्ट भी कराई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूँगी। कैसे 8-9 साल से मेरे साथ संबंध बनाए उस लड़के ने। क्या नाम है उसका? बाप का नाम इंतजाम अली। कहाँ? अभी मना शादी को मना कर रहे हैं घर वाले भी और वो भी। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।